भाग्यपूर्ण है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, इन बच्चों को नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर है बिहार से, जहां पर बिहार के बड़े कॉलेज के अंदर में बिहार बोर्ड से पढ़कर निकलने वाले छात्रों का एडमिशन ही नहीं हो रहा है, और इसको लेकर के अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद में उपनेता नवल किशोर यादव की तरफ से नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया है कि बिहार के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी समेत तमाम विश्वविद्यालयों में इस साल, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम जो भी अलग अलग बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से एक एवरेज मार्किंग की गई है, जो नंबर्स दिए गए हैं वो एवरेज दिए गए हैं। ऐसे में इस बार बिहार बोर्ड के बच्चे जो है वो कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से जो सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के छात्र हैं उनका एडमिशन तो हो रहा है, लेकिन जहां 80% बिहार बोर्ड के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था वहां पर यह आंकड़ा इस बार सिर्फ 20% या उससे भी कम का है। इसको लेकर के उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और बड़ी मांग कर दी है। आपको बता दें कि प्रोफेसर नवल किशोर यादव की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे गए चिट्ठी में कहा गया है कि मैंने पूर्व में बिहार विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय सहित बिहार के सभी प्रीमियम संस्थानों में बिहार बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए 80% स्थान आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा था, जो सदन में मंजूर हुआ था। तब से लगातार बिहार बोर्ड के छात्रों को इसका फायदा भी मिलता रहा। साल 2012 में जब परीक्षा के आधार पर बच्चों का नामांकन होना शुरू हुआ तब भी 60% के आसपास छात्र इसमें प्रवेश पाते रहे, लेकिन साल 2021 में पटना विश्वविद्यालय में कोविड-19 के कारण इंटरमीडिएट के जो नंबर्स हैं उसके आधार पर नामांकन हो रहा है, लेकिन ये सर्वविदित है कि सीबीएसई और दूसरे बोर्ड की अपेक्षा बिहार बोर्ड के नंबर थोड़े कम होते हैं। ऐसे में इस बार बिहार बोर्ड से पास करने वाले इंटर के स्टूडेंट को सिर्फ 20% से कम विद्यार्थियों का ही नामांकन हो रहा है। ऐसे में ये गंभीर मामला है कि राज्य सरकार के खर्चे पर चलने वाले तमाम जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के अंदर में बिहार बोर्ड के ही छात्रों का नामांकन नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना है नवल किशोर यादव का, सुनवाते के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18% 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में, ये बच्चे छंट रहे हैं। इसलिए पुनः इनको 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए, यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है, क्योंकि जब राज्य सरकार 38,000 इस बार 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट बिहार सरकार ने बनाया है इन बच्चों के लिए, और 38% भी बच्चे अगर प्रीमियर संस्थाओं में नहीं जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकता है। जहां एक तरफ सरकार बच्चों को प्रेरित करके मुख्यमंत्री अभियान चला के बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं, 26 लाख बच्चों को सड़क से अंदर स्कूल में लाया है, और जब वो बच्चे पढ़ने के लिए नामांकन के लिए जब जाते हैं डिग्री में तो वो सड़क पर आ रहे हैं, प्रीमियर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार बोर्ड के बच्चों को या तो मेरिट के आधार पर उनका नामांकन किया जाए जो हो रहा था, और नहीं तो इन बच्चों को 80% रिजर्वेशन देके उन बच्चों को कंपनसेट किया जाए ताकि वो प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन उनका हो सके, ये मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और डिमांड भी है। क्योंकि आप जानते हैं इस बार CBSE और ICSE में परीक्षाएं नहीं ली गई, सिर्फ प्राप्तांक भरे गए प्लस टू के बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चों के परीक्षा हुए, एक अखाड़ा में पास करके गया हो और दूसरा इसी तरह मूल्यांकन करके उनको नंबर दे दिया गया, दोनों को एक ही साथ मुकाबले में खड़ा करेंगे,
तो हमारे गांव गरीब किसान और मजदूर पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अहम मुद्दे पर कवर करने के लिए यहां आया है। आज मैंने एक मुख्यमंत्री जी के नाम मैं पत्र लिख रहा हूं और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो गांव गरीब किसान अत्यंत जो गरीब हैं अंतिम पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट वन में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि इस बार 2012 से खास करके जो प्रीमियर संस्था है पटना विश्वविद्यालय के या अन्य विश्वविद्यालयों के वहाँ 2012 से मेरिट पर एडमिशन लिए जाते थे, बच्चों के परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे। उससे पहले मार्क्स के आधार पर लिए जाते थे। मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांक कम आते हैं, CBSE और ICSE के बच्चों के प्राप्तांक जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है, हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है और जो प्राइवेट स्कूल है जो CBSE ICSE उसको 99% से स्टार्ट होता है, 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको जो राज्य सरकार अपने बजट बना के संपोषित करती है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रीमियर संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए और लगभग 80% बच्चों को आरक्षण मिलता था, नामांकन होते थे, लेकिन बाद में मेरिट के आधार पर एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, इन बच्चों को नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। आप लोग अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आपको बता दें कि साल 2012 में बिहार विधान मंडल के अंदर में एक प्रस्ताव है जिसके तहत बिहार बोर्ड से पास करने वाले छात्रों के लिए तमाम जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें 80% सीटों को रिजर्व रखने का प्रस्ताव था। ऐसे में इस पर काम भी हुआ लेकिन इस बार इसका लाभ बिहार के छात्रों को नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में इस मामले को उठा करके कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहारी छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है उसको उस मुद्दे को उठाने की कोशिश नवल किशोर यादव की तरफ से की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।